Hello and welcome guys back to the channel once again, and I hope you all are doing absolutely fine. So guys, this is Axis 125, जैसा कि आप देख सकते हो. अब the people who are guessing कि इसमें मतलब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, this is I have bought this bike. I bought it new. Actually आपको लग नहीं रही होगी, by the meter आप देख सकते हो, it's new. And by the plate number, as you always can see, it's a new bike. It's not the BS6, not the 2020 की गाड़ी नहीं है ये. This is last year's. ये BS4 engine है, not the BS6. BS6 में बहुत सारे upgrades है, but BS6 में मेरे को ना, BS6 is the deal breaker because of two things. दो वजह. पहली चीज़, उसका जो फ्यूल का जो है ना, मैं BS6 भी, मैं जब शोरूम में गया था, BS4 भी थी, BS6 भी थी. BS6 में BS4 बहुत कम रेट हो चुका था क्योंकि BS6 आ चुकी है. सो दे वांट टू क्लियर द स्टॉक. बट एक्चुअली मैंने क्यों नहीं BS6 लिया, द फर्स्ट रीज़न इज़ द फ्यूल लिड. जो फ्यूल लिड होती है बैक में आती है, और उसकी वजह उसको चाबी से खोलना पड़ता है, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब चाबी निकालो, इसमें डालो, खोलो, एंड देन पेट्रोल भरो, उसके बाद वो फ्यूल लिड को जैसा बाइक में लगाना है वैसा लगाओ, एंड देन फिर चाबी डाल के आप जा सकते हो पैसे देकर. सो इन दिस केस आप क्या करो, एज इधर से देख सकते हो आप, जस्ट एंड द फ्यूल इज़ बैक एज यू ऑल गाइस कैन सी. जैसे कि देख सकते हो गाड़ी मैंने नहीं ली, सारे पेपर वर्क यहीं पर है, बूट में ही है, इंक्लूडिंग माई वॉलेट. देख सकते हो आप फ्यूल यहाँ पर है. और एक चीज़, इसमें माइलेज बहुत अच्छा है, इट्स लाइक बहुत कम पीता है टाइप, इन लोगों का स्लोगन भी वही है, बहुत कम पीती है. और ये मैंने बेसिक मॉडल लिया, नॉट द टॉप मॉडल. मैंने टॉप मॉडल नहीं लिया है इस बाइक में, जैसा आप देख सकते हो, दिस इज़ अ बेसिक वेरिएंट बाय द अलॉयज. आप समझ जाओगे कि दिस इज़ अ बेसिक. द रीज़न वाई आई बॉट द बेसिक वेरियंट इज़ कि मेरे को डिस्क ब्रेक नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने बेसिक लिया. और एक चीज, मैं इस बाइक को 714 किलोमीटर चला चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो इधर क्लियरली. एक्चुअली मैं इसका डिलीवरी वीडियो भी नहीं बनाया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक द वीडियो आफ्टर 1000, बट एक्चुअली द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस क्विक, क्योंकि मैं संडे के दिन ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड अभी आपको वीडियोस में पता ही चल जाएगा मैं ट्रैवल कहाँ कर रहा हूँ, बट मैं कहीं तो ट्रैवल कर रहा हूँ. एंड वन मोर थिंग, आई एम नॉट खान, ये एक्चुअली किसी ने लिखा हुआ है, तो जस्ट फॉर दैट, दिस इज़ माई नेम SS. मैं यहाँ पर TK लिखाने वाला हूँ, टेक्निकल किंग, ठीक है. एंड या तो अभी देख सकते हो आप. और एक चीज़, मैंने इस बाइक को क्यों ख़रीदा, वन मोर रीज़न, ये चीज़, डिजिटल मीटर. और मेरे को ना सब कुछ डिजिटल है, यहाँ पर ऑयल चेंज का भी बताता है, इंटरवल ऑयल चेंज बताता है. ट्रिप है, देख सकते हो आप, 714.6 किलोमीटर में गाड़ी चला चुका हूँ. और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज़ आई हैव पुट दिस टू हैंग माई फ़ोन लाइक दिस, और ना वीडियो ऐसी बन जाएगी, बट डा मैं नहीं बनाऊँगा. नहीं जाता, नहीं जाता, रास्ता बंद है, पलटा लो. सो दिस इज द टायर्स. ये मैंने मैट आफ्टर द परचेज लगाए, मेरे को कंपनी से नहीं मिला, मेरे को कंपनी से कुछ ऐसा मिला था, बट ये मैट मैंने लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है. एंड द थिंग, मैंने इधर बम्पर और क्रोम वाला क्यों नहीं लगाया फिनिशिंग, द रीज़न कि सारंग सुजुकी जो निज़ामाबाद में स्टेटेड है, आई एम लिविंग देयर, सो उधर में ही इज़ नॉट हैविंग द ग्रिल्स एंड द बम्पर थिंगी. इफ़ सुजुकी आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ यार भेज दो, इन लोग के पास स्टॉक नहीं है एक्चुअली. और मैंने एक और चीज़ कर दी, इसके साथ बुनी भी हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रैचेस, एज आई हैव लाइक लिटिल. ये तो ये वो वाले नहीं है, ये पता नहीं मेरे भाई लोग ने, कज़न ने किया हुआ है, लेकिन यार नई बाइक को इन लोगों ने ऐसा कर दिया ना, आई स्वेयर आई वांट टू किल देम, बट आई डोंट नो क्या बोलूँ यार. एंड दिस थिंग हैपेंड, ये जो स्क्रैचेस है ना, ये भी ये मैंने किए हुए एक्चुअली, मैंने अपने फ्रेंड को दिए थे, उसने क्या किया गाड़ी को, क्या किया, ऐसा सेल्फ मारा, ऐसा आप देख सकते हो गाड़ी सेल्फ मार दी, और उसने एक्सलेटर दिया, एंड दैट्स नॉट द रीज़न क्यों, क्योंकि इट्स अ न्यू बाइक, तो एक्सलेटर देने से गाड़ी इट वॉज लाइक आउट, तो चली गई थी, एंड दैट्स द रीज़न वो और ये हो गया.
एंड देन कैसे कैसे करके उसने रिपेयरिंग के पैसे भी दे दिए, ही गेव मी बाय द मनी। बट वो ये जो यहाँ पर देख सकते हो ना, यहाँ पर टूट चुका है, ये स्क्रैचेस भी है, उसकी वजह से। ये एक्चुअली सामने ग्राइंडर था और एक स्टूल था, वो सारा बुकना बुकना हो गया एक्चुअली, ब्रोक्ड, और यहाँ से स्क्रैचेस पड़ गए। बट ही पेड मी, उसका सामने का नहीं मिलता है एक्चुअली आफ्टर मार्केट। हम लोग ने शोरूम में जाके पूछा, ही वॉज लाइक रेडी टू गिव मी, बट उसके बाद हम लोग का सेटलमेंट हो गया अंदर, लाइक खाली वाली। और उधर मैंने उसने खान लिखा दिया एक्चुअली, माई फ्रेंड समवन कैन से। तो या दिस इज़ द बाइक। और एक चीज़ BS6, और एक चीज़ मैंने इस एक्सेस 125 को क्यों लिया, आई एम हैविंग अ एक्टिवा एंड मेरे को एक्सेस लिया हुआ है मैंने एक्चुअली। और एक चीज़ मैंने इसको 20,000 पे करके लिया हुआ है, मतलब मैं इसको लोन पे ले लिया हुआ इस बाइक को। द रीज़न वाई हैव बाइड दिस बाइक ऑन लोन इज कॉज मैं एक बाइक लेने वाला था, बट माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली मेम्बर्स और मेरे भाइयों ने फोर्स किया कि तू स्कूटी अपग्रेड कर, उसके बाद तू बाइक ले ले। एंड आई वाज लाइक अभी यार कह रहे हैं, और मेरी स्कूटी काफ़ी सता रही थी, मतलब लाइक चलते चलते बंद हो जाना, और मतलब अच्छी ही है लेकिन काफ़ी सता रही थी। तो मैंने बोला चलो अपग्रेड कर ही लेता हूँ, और मैं गया पूरे शोरूम में, मतलब मैं होंडा में गया, वहाँ पर ग्राजिया, डीओ और एक्टिवा एविएटर वगैरह देखे, बट मेरे को उन चारों में से पसंद नहीं आया, क्योंकि ग्राजिया का टेस्ट ड्राइव लिया, वो लाइक ये तो सेम एक्टिवा ही है, एक्टिवा 125 है। एंड वो लाइक ग्राजिया छोड़ दो, डीओ का मैंने देखा, डीओ मेरे को पसंद आई लेकिन डिजिटल मीटर नहीं था। DX वर्जन में डिजिटल मीटर है, लेकिन फिर मेरे को DX वर्जन समझ नहीं आया, लाइक व्हाट द हेल, अच्छे थी DX वर्जन बट मेरे को समझ नहीं आया। फिर मैं गया हीरो के शोरूम में, वहाँ पर मैंने माइस्ट्रो एच देखी, मेरे को माइस्ट्रो एच भी समझ नहीं आई। फिर मैं गया माइस्ट्रो एच, वॉज लाइक ये वही स्टैंडर्ड थिंग है, और मेरे फ्रेंड्स के पास सारों के पास माइस्ट्रो एच है। आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, मेरे को कुछ अलग सी स्कूटी लेनी है। मैं एक्चुअली अप्रिला वाली लेने वाला था, बट अप्रिला वाली इधर एक्चुअली जो स्टेट में मैं रहता हूँ उधर अवेलेबल नहीं है, मुझे हैदराबाद जाना पड़ेगा, एंड उसके लिए मेरे को वहाँ पर मेरा लोकेटेड घर चाहिए, और मेरा हैदराबाद में लोकेटेड घर नहीं है, तो दैट वुड बी अ बिग इशू। और मैं लोन भी नहीं ले सकता था बाइक पे, मेरे को फुल पेमेंट पे, अगर मेरे को चाहिए यहाँ पर गाड़ी तो मेरे को फुल पेमेंट करना पड़ता, ना वो लाइक खली वली अप्रैला छोड़ दो। फिर मैं गया TVS के शोरूम में, वहाँ पर मैंने एंटॉक देखी, जुपिटर देखी, दोनों में मेरे को समझ नहीं आया, लाइक जुपिटर तो मेरे को समझ पहले से ही नहीं आती क्योंकि बहुत लोगों के पास ऑलरेडी है, जुपिटर ऑलरेडी बहुत लोगों के पास है तो मेरे को समझ नहीं आती है। तो मैंने क्या किया, जुपिटर छोड़ दिया, मैंने फिर देखा एंटॉक का टेस्ट ड्राइव लिया, बट एंटॉक वाज लाइक लिटिल स्पोर्टी, और मेरे को कुछ रेट्रो चाहिए था, जैसे कि आप देख सकते हो ये हेडलैम्प कुछ चेतक टाइप लगता है, मतलब कुछ रेट्रो सी फीलिंग आती है, और मेरे को कुछ रेट्रो चाहिए था। एंड दिस इज़ द 125 cc इंजन, मेरे को 110 cc नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे ऑलरेडी मेरी एक्टिवा में 110 cc का इंजन है, तो मेरे को कुछ पावरफुल इंजन चाहिए था, कुछ अच्छा पिकअप वाला। मैंने एक्टिवा 125 भी देखा, मेरे को वो भी समझ नहीं आया, मतलब माइस्ट्रो एज 125 भी देखा, वो भी समझ नहीं आया। एंड देन फिर मैं गया सुजुकी के शोरूम में, और मैंने देखा एक्सेस और बगमैन, बगमैन पे बैठा, मेरे को लगा यार गाड़ी अच्छी है बगमैन, तो मैंने थोड़ा सा इसको ना ड्राइव किया लाइटली, मैंने टेस्ट ड्राइव लिया बगमैन का, बट बगमैन वाज लाइक बहुत सी मैक्सी स्कूटर थी, बहुत बड़ी स्कूटर थी बगमैन, आई वाज लाइक डा मेरे को समझ नहीं आएगी मैक्सी, क्योंकि बहुत बड़ी थी एंड लाइक मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी समझ में नहीं आई थी, और फुल प्लास्टिक है, ये भी फाइबर ही है, देख सकते हो पूरी फाइबर बॉडी है ये, खाली यहाँ पर मेटल है, बाकी पूरी फाइबर बॉडी है ये भी। इनफैक्ट बगमैन तो पूरी प्लास्टिक ही थी, और मेरे को लगा बगमैन मेरे को नहीं चाहिए, गाड़ी अच्छी है सब अच्छा है बगमैन में, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर बगमैन लगी, बट मेरे फैमिली मेम्बर्स को पसंद नहीं आया, तो मैंने बोला चलो एक्सेस देख लेता हूँ, और मेरे को रेट्रो लुक चाहिए था इसलिए मैंने एक्सेस ले ली। इनफैक्ट मेरे मॉम डैड फ्रेंड्स सबको ये गाड़ी इतनी पसंद आई, मेरे को लेने से पहले मैंने पूछा सबको, मैं एक्सेस 125 ले रहा हूँ, तो सब कह रहे थे यार बेकार गाड़ी है, रीसेल नहीं है वगैरह वगैरह, बट इसका जो इंजन है ना गाइस, रीसेल पे मत जाओ, इसका जो इंजन है ना और जो रिफाइनमेंट है ना, जैसा कि आप अभी बता देता हूँ आवाज़, जैसा आप देख सकते हो आपको फील भी नहीं होगा, इसमें वाइब्रेशन भी बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हो, देखो इंजन की आवाज़ इतने क्वाइट इंजन है ना इस गाड़ी का, इस गाड़ी का पिकअप भी कतई मतलब सही पिकअप है गाड़ी का, ये देख सकते हो। और यहाँ पर इसको पार्किंग है, देख सकते हो, ये मैं रिव्यू नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, और मैंने एक्सेस परचेस क्यों की वो बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द कंप्लीट रिव्यू, मैं इसका मतलब स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ कि इंजन इतना अच्छा है, ये इंजन अच्छा है नो डाउट,
और देख सकते हो ये है इंडिकेटर्स, कहाँ पर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स देख सकते हो। और यहाँ पर जो है ना ये आप देख सकते हो ये पार्किंग है एंड दिस इज़ अ हेडलाइट। और हेडलाइट मेरे को हैलोजन थी इसके लिए मेरे को पसंद नहीं है, बट अभी जो मैंने BS6 में देखा उसमें LED है। बट BS6 का जो बेस्ट, जो सबसे गंदी चीज़ BS6 की क्या है पता है, कि वो जो पेट्रोल का जो बैक साइड फिलिंग है वो मेरे को कतई जहर कतई बेकार लगी। मैं कह रहा हूँ अगर सुजुकी अगर तेरे को अगले एक्सेस में बनाना है तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ एक्टिवा जैसा बना दे, मतलब सामने से फ्यूल लेड ओपन कर दो पीछे से, एक्टिवा 6G की तरह पीछे से खुल जाएगा एंड देन वहाँ पर वो जो कैप होता है उसको खोलो, उसके अंदर पेट्रोल भर दो, कैप लगा दो एंड बंद करके गाड़ी चालू कर दो। और माएस्ट्रो एज में भी वही है, उसी तरह है, मतलब बूट में नहीं रखना तो बाहर रखना है तो कुछ ऐसा रखो, मतलब ये बहुत बकवास है। और सबसे बड़ा मेरा डील ब्रेकर जो 125 BS6 इंजन में था ना वो यही था। BS6 में और एक बात अच्छी थी, BS6 की बातें भी अच्छी है, इंजन काफ़ी क्वाइट है, इससे तो लाइक 17 मेरे हिसाब से 20% नॉइस कम थी इंजन में। जैसे कि आप देख सकते हो अभी, जैसे आप देखो इसकी इंजन वॉइस थोड़ी सी है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी सी है। और एक चीज़ इसका पिकअप बहुत अच्छा है, मतलब मैं इसका पिकअप भी बताता हूँ आपको। चलो गाइस बाइक पे बैठ जाते हैं। एक्चुअली और एक चीज़ जैसे आप देख सकते हो मेरे फुट ना नीचे लटकते हैं तो इट्स लाइक अ बिग हाइट। ये जो आप अगर आपकी हाइट ज़्यादा है ना तो आपके लिए बाइक दिस इज़ द बेस्ट वन। ठीक है, मेरे पास GoPro नहीं है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ।